नंद कुमार साय के भाजपा छोड़ने पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दुख जताया। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से खास चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नंद कुमार साय पर कोई अनुचित दबाव तो नहीं डाला, ये देखना होगा। फिर नंद कुमार साय से चर्चा करेंगे और अगर ऐसा हुआ है तो भाजपा आज भी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय यहां मौजूद हैं। आपके समकक्ष आपके आदिवासी नेता नंद कुमार साय पार्टी से दुखी होकर कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आपने अभी अभी बात की, आपने भी आशंका जाहिर की, किसी प्रकार का कोई दबाव है ऐसा आपको भी लगता है क्या? किस तरह का दबाव हो सकता है? अचानक वो उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जिंदगी भर जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने। हमको तो लगता है कि कभी भी उनके मान सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने कमी नहीं किया, इसीलिए एक संदेह जाता है कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर दबाव में वो हैं तो उनके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला रहेगा। आपसे आखिरी बार उनके कब बातचीत हुई? आप भी प्रदेश के अध्यक्ष थे, कभी आपसे वो मुलाकात किए थे? कभी अपना दर्द उन्होंने बताया था, अपनी व्यथा सुनाई थी? क्योंकि सोशल मीडिया में उनका दर्द तो सामने आ चुका है। हाँ, बराबर हम भी उनके यहां जाते थे और वो भी हमारे यहाँ आते थे, और 21 फरवरी जब हमारा जन्मदिन था तो हमारे घर में वो 3-4 घंटे रहे भी, और बीच बीच में थोड़ी आलोचना जरूर करते थे कि हमारी सरकार 15 साल की थी तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो तो स्वाभाविक है कि परिवार में भी ये सब होता है, लेकिन जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था 45 वर्षों से हम देख रहे थे, कभी भी अपने को विश्वास नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो ये विष्णुदेव साय थे और इनका कहना है कि कहीं न कहीं उनको इस बात की आशंका है कि वो किसी न किसी दबाव में थे, और ये इसलिए भी उनके दिमाग में बात आ रही है क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध किया और अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो ये उनके दिमाग में उन्होंने आशंका जाहिर की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वे खुद स्वयं इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे और उनका द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खुला है। कैमरा में रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।